अहंकार किसी का भी हो उसको टिकने नहीं देता है। बीआरएस के नेताओं में भी वही अहंकार दिखता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना के लोगों ने ऐसे अहंकारी सीएम को अपने वोट की ताकत से जवाब दिया था। इसी बौखलाहट में यहां के नेता मोदी को गाली देते रहते हैं। बीआरएस के भ्रष्टाचार के तार दिल्ली के शराब घोटाले से भी जुड़े हुए हैं। जांच एजेंसियों ने जब उनके भ्रष्टाचार की जांच शुरू की तो ये लोग जांच एजेंसियों को भी गालियां देने लगे। लेकिन आज मैं ऐसे लोगों को डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होके रहेगी। जिन्होंने जनता को लूटा है उनको लौटाना ही पड़ेगा। और मेरे तेलंगाना के भाइयों बहनों, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, बीआरएस और कांग्रेस अलग अलग नहीं है, एक ही सिक्के की दो बाजू है। कांग्रेस ने 7 दशक में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का जो मॉडल डेवलप किया, बीआरएस उसी पर चल रही है। दोनों की मंशा मिलकर राज्य की संपत्ति को लूटने की है। ये दोनों पार्टियां अपने बेटा बेटी को आगे बढ़ाने में लगी है। उन्हें आपके बेटे बेटियों की कोई परवाह नहीं है। बीआरएस ने सत्ता में आने के लिए जो बड़े बड़े वादे किए थे उनमें से किसी वादे को पूरा नहीं किया। तेलंगाना की सरकार ने युवाओं के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया है। टीएसपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को 9 वर्षों से सिर्फ और सिर्फ धोखा मिल रहा है। छात्रों ने वर्षों तक परीक्षा होने का इंतजार किया और जब परीक्षा का ऐलान हुआ तो पेपर लीक हो गया। बीआरएस की नाकामी ने तेलंगाना की एक पूरी पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर दिया। और ये हाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, राज्य में होने वाली हर परीक्षा में गड़बड़ी इस सरकार की पहचान बन गई है। आज युवा पूछ रहे हैं बीआरएस के रोजगार के वादे का क्या हुआ। हर महीने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करके बीआरएस ने इस वादे को भी पूरा नहीं किया। आज भी तेलंगाना में टीचर्स के हजारों पद खाली है और हजारों स्कूल तो ऐसे हैं जहां सिर्फ एक टीचर है। आप मुझे बताइए, तेलंगाना के युवाओं को धोखा देने वाली, उनके भविष्य से खेलने वाली बीआरएस सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? ये सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? इनको हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? हर गांव गली से हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? ना कुटुंब सभ्य लारा, बीआरएस ने तेलंगाना के मेरे गरीब भाई बहनों पर उनको जो डबल बेडरूम के वाले घर देने के सपने दिखाए थे, लेकिन ये वादा भी
बीआरएस का हवा में ही उड़ गया। एक तरफ बीआरएस का ट्रैक रिकॉर्ड है तो वहीं बीजेपी का सेवा काल भी है। केंद्र में बीजेपी सरकार ने हमारे पिछले 9 साल के सेवा काल में गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर बना करके दिए हैं। पीएम आवास योजना अर्बन के तहत तेलंगाना में भी शहरों में 2,50,000 से ज्यादा घर बने हैं। हमने गरीब की हर चिंता का, हर जरूरत का ध्यान रखा है। 3-4 दिन पहले ही हमने ये भी तय किया है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को, आप जानते हो, जब कोविड का कालखंड था, पूरी दुनिया जिंदगी और मौत का संकट झेल रही थी, परिवार में एक व्यक्ति दूसरे को मिल नहीं पा रहा था, कामकाज ठप हो चुके थे, तब गरीबी से निकला हुआ मोदी, जो गरीबी को भली भांति जानता है, समझता है, गरीबी को जी करके आया है, उसने तय किया कितना ही संकट क्यों ना आ जाए, मैं गरीब के बच्चों को भूखे नहीं सोने दूंगा, मैं गरीब का चूल्हा कभी बुझने नहीं दूंगा। और इसलिए हमने गरीबों के लिए मुफ्त अन्न की योजना शुरू की। आज भी इस देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता है और ये योजना ये दिसंबर में पूरी होने वाली है। दिसंबर में योजना पूरी हो रही है, लेकिन गरीबी को जानने वाला मोदी गरीबों को ऐसे असहाय नहीं छोड़ सकता है। और इसलिए मैंने संकल्प किया है, मैंने निश्चय किया है कि गरीबों को जो आज अन्न मिल रहा है उसे आने वाले 5 साल के लिए और बढ़ाया जाएगा, 5 साल और बढ़ाया जाएगा। आप सब अपना मोबाइल फोन निकाल करके फ्लैश चालू कीजिए, गरीबों के कल्याण में आपके मोबाइल की फ्लैश चालू कीजिए, गरीबों के कल्याण के लिए मोबाइल की फ्लैश चालू कीजिए। 5 साल के लिए मुफ्त अनाज की योजना के समर्थन में आप अपनी फ्लैश लाइट चालू कीजिए, हर एक के मोबाइल की फ्लैश लाइट चलनी चाहिए। ये गरीबों के कल्याण के लिए है, ये मोदी की गारंटी का समर्थन है, ये मोदी की गारंटी का समर्थन है। गरीबों का कल्याण ये हमारे दिलों में है और इसलिए इतना बड़ा जन समर्थन मिल रहा है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की, यानी ये गरीबों को मुफ्त राशन की योजना अब आने वाले 5 साल और चलेगी। इसका लाभ तेलंगाना के भी लाखों गरीबों को मिलेगा। साथियों, बीआरएस ने राज्य के किसानों के साथ भी विश्वासघात किया है। 1 लाख तक का लोन माफ करने का वादा करके यहां की सरकार ने जो खेल खेला है वो यहां के किसान अच्छी तरह समझते हैं। उसने किसानों को मिलने वाली कई तरह की मदद भी बंद कर दी है। ये भाजपा सरकार है जो अपने किसान भाई बहनों के हर हित का ध्यान रखती है। पीएम किसान सम्मान योजना के तहत हमने यहां के किसानों को 9,000 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खातों में भेजे हैं। इससे तेलंगाना के 35 लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ है। इसमें बड़ी संख्या में बैकवर्ड कम्युनिटी के किसान शामिल हैं।
साथियों, आज तेलंगाना के लोगों के साथ ही पूरा देश 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हम विकसित भारत का लक्ष्य लेकर के मैदान में उतरे हैं, इसीलिए काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अब इतनी बड़ी तादाद में आए इस मैदान ने मुझे फिर से एक बार उसके प्यार का एहसास करा दिया है, उसके आशीर्वाद की ताकत का एहसास करा दिया है। तेलंगाना का तेजी से औद्योगिक विकास हो, यहां के नौजवानों को रोजगार मिले, इसके लिए बीजेपी सरकार प्रतिबद्ध है। बीजेपी सरकार हर क्षेत्र में तेलंगाना के विकास के लिए काम करेगी, इसके लिए तेलंगाना में डबल इंजन की सरकार जरूरी है। तेलंगाना में भाजपा सरकार बनाने के बाद बीसी गौरव को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। भाजपा हमेशा आपके विश्वास को मजबूत करने